वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक गेमर। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दो ताकि आपको मिल सके हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आज हम देखेंगे कि हमारा एलिट पास पर कभी कभी टास्क रहता है कि यूज़ ग्रेनेड टेक डाउन 15 प्लेयर या 20 या फिर कोई भी है, मतलब आपको ग्रेनेड से किल करना होता है। तो ये किल कैसा करना है ये सबको दिखाएंगे अभी। तो ग्रेनेड से कैसे मारना है एनिमी को, तो वो सब कुछ मैं अभी दिखाऊंगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बिल्डिंग का अंदर एनिमी है तो आपका पास ग्रेनेड है तो ऐसा फेंक दीजिएगा, तब जाके ग्रेनेड से आसानी से किल हो सकता है। फिर भी और एक दिखाऊंगा अभी, ऐसे एल शिप पे कभी कभी एनिमी होते हैं, एल शिप का ऊपर कभी कभी बंदे होते हैं। यहाँ पे फिर से दिखाएंगे अभी, ये देखिए एल शिप का ऊपर बनता दिखाई दिया है और यहाँ ग्रेनेड है, ग्रेनेड तो इसका ऊपर दो तीन ग्रेनेड फेंक देना, दो तीन ग्रेनेड ऐसे ही फेंक देना तो एनिमी आसानी से एनिमी को मार सकते हैं। देखिए यहाँ पे किल मिल चुका है। तो ऐसा ही करना है आपको ग्रेनेड, ग्रेनेड का जो टास्क है तो ग्रेनेड लॉन्चर का टास्क मैं पहले भी एक बार दिखा चुका हूँ ग्रेनेड लॉन्चर का टास्क। तो ग्रेनेड लॉन्चर का टास्क अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन पर वीडियो है ग्रेनेड लॉन्चर का, तो वो भी देख सकते हैं। और ये जो है ये है ग्रेनेड का, ग्रेनेड से कैसे मारना है ये है। तो ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ अभी, जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कस्टम रोम टूर्नामेंट का है, ग्रेनेड से मारने का टास्क था। कस्टम रोम तो उस कस्टम रोम का विनर को मिला है 50 डायमंड, और विनर थे जीवन भाई जो फ्री फायर योद्धा, जो एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है उनका, उन्होंने इस गेम को टूर्नामेंट को, मतलब कस्टम रोम टूर्नामेंट हुआ है, टूर्नामेंट को जीत गए। तो ऐसा मेरा चैनल पे हमेशा कस्टम रोम टूर्नामेंट होता है, तो टूर्नामेंट पे आपको मिल सकता है गिफ्ट और बहुत कुछ। और हमारा जो नेक्स्ट कस्टम रोम टूर्नामेंट है उस टूर्नामेंट पे आपको मिलेगा एक वीकली मेम्बरशिप, वीकली मेंबरशिप पे आपको 420 डायमंड मिलता है। एक हफ्ते में डेली 60 डायमंड आपको कलेक्ट करना होता है, तो आप जब डेली 60 डायमंड कलेक्ट करेंगे एक वीक पे तो आपको 420 डायमंड मिल जाएगा। तो इस 420 डायमंड पे आप आसानी से आपका एलिट पास भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो फिर वीकली मेंबरशिप पे गेम पे खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर आप मेरे चैनल पे एक्टिव रहना पड़ेगा। जो लोग रेगुलर रहेंगे सिर्फ वही लोग कस्टम रोम का टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो इस हफ्ते अगर जो लोग रेगुलर रहेंगे उनमें से सिर्फ 10 लोग जो सबसे ज़्यादा रेगुलर रहेंगे उनमें से सिर्फ 10 मतलब सबसे ज़्यादा टॉप 10 बोल सकते हो, टॉप 10 एक्टिव यूज़र जो है वो लोग नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीकली मेंबरशिप का जो टूर्नामेंट होगा तो उस टूर्नामेंट पे गेम खेल सकते हैं और जीत सकते हैं एक वीकली मेंबरशिप 420 डायमंड मिलेगा उनको, काफ़ी अच्छा है। और हमारा जो मंथली कस्टम रोम टूर्नामेंट होता है तो वो हर मंथ का एंड पे मतलब फर्स्ट वीक के पे होगा। इस महीने का जो मंथली मेंबरशिप का कस्टम रोम है वो नेक्स्ट महीने का फर्स्ट वीक पे होगा। और मंथली मेंबरशिप कस्टम रोम पे मिलता है एक मंथली मेंबरशिप जिस पे आपको मिल सकता है एक गोल्डन एक साथ ही साथ 1900 डायमंड मिल जाएगा। तो मंथली मेंबरशिप पे खेलने के लिए, तो कस्टम रूम खेलने के लिए आपको पूरा मंथ, जिस मंथ पर कस्टम रूम है उस मंथ पे पूरा मंथ आपको चैनल पे एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो कस्टम रूम नहीं खेल सकते हैं। और आपने देखा ही होगा मैं कस्टम रूम पे बहुत लोगों को किक आउट करके हटा देता हूँ, क्योंकि जो लोग मेरा चैनल से नहीं है उनको मैं किक आउट करके हटा देता हूँ। और कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, तो फ्रेंड्स को भी कस्टम रूम टूर्नामेंट जब होगा तब अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं कीजिएगा। अगर जो फ्रेंड को इनवाइट करेगा, देखो मैं जो फ्रेंड को इनवाइट करता है मैं उसको भी रिमूव कर देता हूँ, मतलब किक आउट कर देता हूँ, वो भी मेरा कस्टम रूम नहीं खेल सकते। तो आप इसीलिए कभी भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट मत कीजिए, नहीं तो आपको भी किक आउट कर दूंगा और आप भी कस्टम रूम नहीं खेल सकते हैं।
तो यहाँ पे ग्रीनेट का कस्टमर टूर्नामेंट चल रहा था, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा गेम हुआ था। एक लेपो भाई बहुत ही अच्छा गेम खेला था, लास्ट तक टॉप 3 पे आए थे, टॉप 3 पे। और ये है जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई भी बहुत ही अच्छा खेला था, टॉप 1 पे आए थे, लेकिन उनका हाईएस्ट किल नहीं था इसलिए उनको प्राइज़ नहीं मिला है। और कस्टम रोम का रूल्स था कि हाईएस्ट किल करना है, तो ग्रेनेड से मार के हाईएस्ट किल करना है। तो यहाँ पे जय श्री राम भाई ने काफ़ी अच्छा खेला था, लास्ट तक सरवाइव किया था, लेकिन किल उनका हाईएस्ट नहीं था इसलिए उनको प्राइज़ नहीं मिला था। और ये रहा जीवन भाई, जीवन भाई बहुत ही अच्छा मतलब हाईएस्ट किल उनका था और उन्हें प्राइज़ मिला है। वो काफ़ी अच्छा गेम खेलते हैं, ये जीवन भाई काफ़ी अच्छा गेम खेलते हैं। और अभी तक उनको एक किल मिला है, लेकिन लास्ट एंड मौके पे उन्होंने काफ़ी अच्छा गेम खेल के उनको और 2 किल मिल गया, जिसके कारण वो विनर थे। और टॉप हाईएस्ट किल जो था वो 3 किल था। यहाँ पे ग्रेनेड फेंक रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पे किल नहीं मिला है, नहीं मिला है। यहाँ पे चित्रांश, चित्रांश, हाँ चित्रांश। और ग्रेनेड का टास्क कैसा करना है, अगर आपको कभी ग्रेनेड का टास्क दिया जाए तो आप अगर जैसे कस्टम रूम पे ग्रेनेड से मारोगे तो नहीं होगा। ओ माय गॉड, देख ले भाई ने किसने मारा। अगर आप कस्टम रूम का ग्रेनेड का टास्क करोगे तो कंप्लीट नहीं होगा। ग्रेनेड का जो टास्क रहता है वो सिर्फ आपको क्लासिक मोड पे ग्रेनेड यूज़ करके एनिमी को मारना होता है। ऐसे मतलब कस्टम रूम से अगर मारेंगे तो नहीं होगा, कस्टम रूम पे मारना बहुत ही ईजी होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कभी कभी हम लोग का ग्रीनेट नहीं मिलता है, जिस गेम पे बॉट आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉट आ जाते हैं उस गेम पे मतलब हमें मतलब ग्रीनेट बहुत कम मिलता है। अगर इसमें ना ग्रीनेट का टास्क है और आप जो गेम खेल रहे हो उस गेम पे अगर बॉट आ गए हैं तो शायद उस गेम पे आपको ग्रीनेट नहीं भी मिल सकता है, मिलने का चांस बहुत कम है। तो कभी कभी ऐसा जब जैसा कि जब गिली पुश का टास्क होता है तो हम बॉट का साथ खेलोगे तो गिली पुश नहीं मिलेगा। ऐसे कोई इवेंट मतलब कुछ भी टास्क रहता है, एलिट पास का जो टास्क रहता है वो टास्क कंप्लीट करने के लिए आप सोचोगे कि बॉट का साथ टास्क कंप्लीट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। बॉट का साथ ऐसे नॉर्मल हेडशॉट वगैरह का कंप्लीट कर सकते हो, गिलीबुश ग्रेनेड वगैरह का करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कभी कभी हो जाता है। और यहाँ जय श्री राम भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पे, एक 4 अलाइव अभी तक, 4 लोग जिंदा है गेम पे, एक कस्टम रूम टूर्नामेंट पे, कस्टम रूम टूर्नामेंट। और कस्टम रूम टूर्नामेंट शायद नेक्स्ट मंथ से मेरा चैनल पे कस्टम रूम टूर्नामेंट रेगुलर हो सकता है, डेली कस्टम रूम टूर्नामेंट हो सकता है। मैं भी कस्टम रूम कार्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके रख रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ कि पूरा मंथ डेली कस्टम रूम टूर्नामेंट कराऊँ नेक्स्ट मंथ। तो देखता हूँ, ट्राई करूँगा, लेकिन टाइम भी तो नहीं मिलता है, उतना टाइम भी नहीं मिलता है, तो फिर भी ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए डेली कस्टम रूम टूर्नामेंट कराने के लिए। ओके फ्रेंड, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी न्यू टॉपिक्स के साथ, फिर से मुलाकात होगा आपके साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा देना ताकि आपको मिल सके हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले।